हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स की, और इसके अंदर हम इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हम 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को कुछ पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जो हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे उसे हम बोलेंगे 1,5 डिस्कनेक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं 1,5-DIX से। और यहाँ पर जो हम कंपाउंड लेंगे जिसका हमें डिस्कनेक्शन करवाना है उसे हम बोलेंगे 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो यहाँ से आपको दो बातें पता लगी, पहली तो ये कि यहाँ पर जो हम कंपाउंड लेंगे उसे हम बोलते हैं 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, और सेकेंड ये कि जो यहाँ पर हम डिस्कनेक्शन परफॉर्म करवाएंगे वो होगा 1,5 डिस्कनेक्शन, जिसे हम 1,5-DIX से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है कि यहाँ पर जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर आपको दो फंक्शन ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से एक फंक्शन ग्रुप आपको फर्स्ट पोजिशन पर देखने को मिलेगा और दूसरा देखने को मिलेगा आपको फिफ्थ पोजिशन पर। तो यानी कि हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो जो फंक्शन ग्रुप होते हैं, उसके अंदर से पहला फंक्शन ग्रुप होगा फर्स्ट पोजीशन पर और दूसरा फंक्शन ग्रुप होगा फिफ्थ पोजीशन पर। तो ये बात तो हमें इसके नाम से भी पता चल रही थी कि यहाँ पर हमें डाइफंक्शनलाइज्ड यानी कि इस कंपाउंड के अंदर आपको दो फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेंगे, जो कि होगा फर्स्ट पोजिशन पर और फिफ्थ पोजिशन पर। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्कनेक्शन की। तो अगर हम 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर डिस्कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड भी देखने को मिल सकते हैं और कार्बन और हेटेरो एटम बॉन्ड भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब आप 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर 1,5 डिस्कनेक्शन अप्लाई करोगे तो आपको वहां पर जो कॉमनली देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। यानी कि इस पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन के अंदर आपको कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। और ये पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन होगा कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, यानी कि आपको जो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट ये बोलता है कि अगर हम बात करें इस डिस्कनेक्शन के मोस्ट कॉमन रूट की, तो वो आपको देखने को मिलेगा माइकल एडिशन का रिवर्स। यानी कि हम माइकल एडिशन रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो वो क्या होगा, ये 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का जो रूट होगा वो ही क्या होगा, डिस्कनेक्शन रूट होगा। इसके बाद में हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो बात करता है रोल ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप की। यानी कि हमारे पास जो इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अंदर आपको एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, तो ये उसके रोल की बात करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या काम करता है, ये काम करता है हमें एक पर्टिकुलर साइड से स्टेबल इनोलेट आयन जनरेट करने में। यानी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप की हेल्प से हम एक स्टेबल इनोलेट आयन एक पर्टिकुलर साइट से फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि आगे जाके बाद में अटैक करेगा इनोन पर, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। और यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन एक्टिवेटिंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा वो होगा एस्टर, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को लेकर। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को एक एग्जांपल से भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद में आपको ये सभी पॉइंट इजिली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये कंपाउंड लिया है जो कि है 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, और इस 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया जो कि है 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद में आपको इस कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेंगे दो फंक्शनल ग्रुप, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन ग्रुप और ये है हमारा सेकंड फंक्शन ग्रुप। और अगर आप इनकी पोजीशन देखोगे तो एक फंक्शनल ग्रुप आपको फर्स्ट पोजीशन पर देखने को मिल रहा है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको फिफ्थ पोजीशन पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें डिस्कनेक्शन की, तो यहाँ पर जो आपको डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर डिस्कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है कार्बन और ये है कार्बन, और हमने हमारे से पहले वाली स्लाइड के अंदर बात की थी जो यहाँ पर डिस्कनेक्शन होता है वो होता है अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन। यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और उसके नेक्स्ट वाला होगा बीटा कार्बन। तो ये हमारा अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, तो यहाँ पर ब्रेक होगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो बॉन्ड है जो कि सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसे ब्रेक करना होगा। जब हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड पर अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से दो आयनिक स्पीसीज देखने को मिलेगी, और इन आयनिक स्पीसीज को हम बोलते हैं सिंथोन्स। अब ये जो आयनिक स्पीसीज होती है ये स्टेबल नहीं होती, तो इन्हें स्टेबल बनाने के लिए और ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन स्पीसीज को इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो आपको अगले दो दिखाई दे रहे हैं ये है इन पर्टिकुलर स्पीसीज के सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो अब हमने हमारे इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर सिक्स पॉइंट के अंदर बात की थी
एक्टिवेटिंग ग्रुप की, तो यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप यूज किया जाएगा वो होगा हमारा एस्टर ग्रुप, जो कि आपको इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड पर देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, जिसकी हेल्प से हमने इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर जो भी पॉइंट थे उन्हें अच्छे से समझा है। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की, जिसके अंदर हम देखेंगे सिंथेसिस और रेट्रोसिंथेसिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल्स। तो ये है हमारा 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज ए टारगेट मॉलिक्यूल। अब इस टारगेट मॉलिक्यूल पर हम करवाएंगे 1,5 डिस्कनेक्शन। जब हम इस पर 1,5 डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो आपको इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। सिंथोन के अंदर आप देख पा रहे हो कि इस कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये सिंथोन होते हैं वो क्या होती है, अनस्टेबल स्पीसीज होती है। अब अगर हमें इन्हें स्टेबल करना है तो इन जो चार्ज स्पीसीज है उन्हें रिमूव करना होगा और इन्हें न्यूट्रल बनाना होगा। तो इसके लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो ये है इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो जब हम इनका सिंथेसाइज करवाएंगे तो इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट को यूज करेंगे हम इसके सिंथेसिस के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये एस्टर ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो जब हमें इनोलेट का एक पर्टिकुलर साइड से अटैक करवाना हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो जो इनोलेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर साइड से जाकर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो हम एक्टिवेटिंग ग्रुप यूज करते हैं वो मोस्टली होता है एस्टर ग्रुप, जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल के अंदर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इस रेट्रोसिंथेसिस के सिंथेसिस की। तो इसकी सिंथेसिस की शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे इस ए वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, जिसके अंदर आपको ये एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस एक्टिवेटिंग ग्रुप लगने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा इनोलेट होगा ये एक पर्टिकुलर साइड से जाकर इस दूसरे वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उस पर अटैक करेगा। अब इस ए वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ में। तो जब बेस यहाँ पर आता है तो ये क्या करता है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। इसे एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद में आता है हमारा सेकेंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो कि है बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पर आएगा और इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड का हम एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और सेकंड स्टेप के अंदर हम यहाँ पर हीटिंग करवाकर इसका डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, जिसके बाद में आपको हमारे टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करवाते हैं और उसके बाद में हम उसका सिंथेसिस भी उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए करवा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर भी हम पहले रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे, देन इसके सिंथेसिस की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लेते हैं 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड और इसका करवाते हैं 1,5 डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको ये जो अल्फा बीटा बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और आपको कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे और इन सिंथोन के जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पर ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बी वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उस पर हम अप्लाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो जैसे हम इस पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है इसका हम करवाएंगे 1,3 डिस्कनेक्शन। तो जब हम इसका 1,3 डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ये जो बॉन्ड है ये वाला ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमारे सिंथोन बन जाते हैं। अब इन सिंथोन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस पूरी रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर आपको चार तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं, ए बी सी और डी। तो ये चार तरीके के आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं। तो अब हमारी जो सिंथेसिस है वो कहाँ से शुरू होगी, तो हमारी सिंथेसिस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करेंगे। इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करने के बाद में हम इनसे ये वाला कंपाउंड बनाएंगे और इस कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे फिर इस ए वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, जिसके बाद में आपको हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए अब हम इसके सिंथेसिस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, इसका जो सिंथेसिस है वो हम तीन स्टेप के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो आएगा और हमारा कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में हमारा जो कीटोनिक ग्रुप है, इसके बाद में जो हमारा कीटोन है वो आएगा और आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। तो ये क्या करेगा, कीटोन इस पर्टिकुलर सिंथेटिक इक्विवेलेंट से जाकर रिएक्ट करेगा और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका हम करवाएंगे कंडेंसेशन और कंडेंसेशन करवाने के बाद में आपको वो कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है जिसका हमने 1,3 डिस्कनेक्शन करवाया था।
तो इन दोनों प्रोसेस के अंदर हमने जो हमारा 1,3 डिस्कनेक्शन वाला कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कर लिया है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, यानी कि जो हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट ए था उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में। तो यहाँ पर हमारा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट ए था उसे हमने यहाँ पर लिया है, तो जब ये बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके बाद में आपको इस तरीके से इनोलेट बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये इनोलेट रिएक्ट करेगा इस वाले कंपाउंड से। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर इसके साथ में रिएक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। फिर हम इसका करवाएंगे वर्कअप, और वर्कअप करवाने के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारे सेकेंड एग्जाम्पल का सिंथेसिस। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर भी हम यहाँ पर रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे, देन सिंथेसिस देखेंगे। तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पर लिया 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड, लेकिन इस बार जो हमारा कंपाउंड है यानी कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। तो जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का 1,5 डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलते हैं, और इन सिंथोन को हम कन्वर्ट करेंगे इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। इस सिंथोन के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पर हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप एज ए एस्टर यूज किया है। तो यहाँ पर आपको ये दो तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं जिसे हम बोलेंगे ए और बी। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे सिंथेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा ए वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में। तो यहाँ पर जो इथोक्साइड है ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस, जो क्या करेगा यहाँ से प्रोटोन का एक्सट्रैक्शन कर लेगा, जिसके बाद में यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये वाली जो स्पीसीज है ये रिएक्ट करेगी बी वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जिसके बाद में आपको हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड का 2-ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हमने 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड को डिस्कस किया और साथ में उसके एग्जांपल्स भी देखी। तो इस वीडियो से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड क्या होता है और किस तरीके से इसके अंदर हम रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन इसी के बीच के अंदर हमने एक स्लाइड के अंदर बात की जहां पर हमने बात की थी माइकल एडिशन की, और इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा एक और टॉपिक जिसका नाम है रोबिन्सन एन्युलेशन। तो अभी हम थोड़ा सा इनका भी एक इंट्रो देख लेते हैं। पता है हम डिस्कस कर रहे हैं 2-ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। 2-ग्रुप डिस्कनेक्शन के अंदर हमने आज इस वीडियो के अंदर बात की 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड की। और इन 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड के अंदर हमने यहाँ पर इनका रेट्रोसिंथेसिस देखा और साथ में इनका सिंथेसिस देखा। और इस 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड के अंदर जिस बॉन्ड का हमने डिस्कनेक्शन करवाया था वो था अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, यानी कि यहाँ पर हमने अल्फा बीटा बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाया था। तो ये सब बातें आपको आज के लेक्चर से पता लगी होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमने रेटोसिंथेसिस करवाया है तो हमारा सिंपल रेटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, जहां पर आपको सिंथोन बनते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद में वो क्या होते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमने जब बात की थी सिंथेसिस की, तो यहाँ पर क्या होता है 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड के अंदर आपको दो तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, और वो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे डाइकार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन ये जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो भी आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे। एक तो होंगे ए साइक्लिक डाइकार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि हम इसे सिंपली 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे, और दूसरी आपको देखने को मिल सकती है साइक्लिक फॉर्म ऑफ 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो यानी कि जब हम 1,5-डाइफॉस्फेट कंपाउंड का सिंथेसिस देखेंगे तो वहां पर हम दो तरीके से प्रोडक्ट बनता हुआ देख सकते हैं, जो कि सिंपल ए साइक्लिक 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकते हैं और इन 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड की साइक्लिक फॉर्म भी हो सकती है। तो जब हम 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइकल एडिशन, यानी कि माइकल एडिशन रिएक्शन से जो भी हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इस माइकल एडिशन के अंदर जो हमें प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देता है वो होता है 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड, और इसी के साथ में जो हमारा साइक्लिक फॉर्म है वो हमें बनता हुआ दिखाई देगा रॉबिन्सन एन्युलेशन से।
तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो रोबिंसन एनुलेशन का प्रोडक्ट होता है वो होता है साइक्लिक फॉर्म ऑफ 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, या फिर आप इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन भी बोल सकती हो। तो हमारी इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी माइकल एडिशन पर, और उसके बाद में जो सेकंड वीडियो आएगी वो आएगी रोबिंसन एनुलेशन पर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।